की वीडियो बनने वाली है श्रवण कुमार के बारे में ना। उनका क्षेत्र हमारे घर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चल के दिखा देते हैं, अपना भी कुछ देख लेते हैं। मैं पहली बार गया था और तो वहाँ पे थोड़ा मेला वगैरह लगता है, क्योंकि इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, और मुझे नहीं पता था कि हमारे घर के इतने पास में एक श्रवण कुमार जी का जो है कुछ क्षेत्र बना हुआ है जो उनसे बिलोंग करता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे चले गए देखने, क्योंकि वो अपने माता पिता को बहुत सर्वोपरि रखते थे हर मामले में, और उन्होंने अपने जो है अंधे माँ बाप को चार धाम की यात्रा भी करवा रहे थे, और बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जो भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी थे राजा तथा, उन्होंने अपने बाण शब्दवेदी बाण से उनको मारा था। तो वो घाट जो है वहाँ पे जहाँ पे मारा था, जो नदी है, वो सब सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, है ना। तो भाई एक बात कहनी है आप लोगों से, अगर आपने वो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब तो शेयर कर दो भाई। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो यूट्यूब मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उनसे बोलूँगा सब अपने वीडियो को शेयर करो थोड़ा सा, और जल्दी से लाइक बटन दबा दो, है ना, और वीडियो एंजॉय करो। तो मिल तो ये वही नदी है जहाँ पे श्रवण कुमार जो है अपने प्यासे माँ बाप को पानी पिलाने के लिए आए थे, और यहाँ से वो पानी भर रहे थे, और भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी यानी श्री राजा दशरथ महाराज, उन्होंने अपना शब्दवेदी बाण चलाया था, तो यहीं पे कहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ वही चीज़ है, वो समझ रहे थे कोई जानवर है। तो ये वो श्रवण क्षेत्र है जहाँ पे उनको मतलब कि यहीं से बाण लगा था, हैं पानी भर रहे थे। और चलो आगे चल के आपको हम अंदर का जो सीन दिखाते हैं। ये नदी है जो छोटी सी, ये देखो पुराना ब्रिज है यहाँ पे, जो कि टूटा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ, ये नया बन गया इधर। तो श्रवण कुमार के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूँ, ये उनका श्रवण धाम है, और वो जो है अपने माता पिता को लेकर निकले थे धाम पे, चारों धाम पे टोकरी में बिठा के। तो ये यहाँ पे एक नदी है जिसको हम लोग हमारे यहाँ कोई नदी मढ़ा नदी बोली जाती है, हमारे इधर से निकलती है। तो वहाँ पे पहुँचे थे, उनको माता पिता को प्यास लगी तो वो पानी भरने निकले, और उसी समय राजा दशरथ जो है शिकार के लिए निकले हुए थे, तो उन्हें शब्दवेदी बाण चलाना आता था। तो जब उन्होंने मटके में मतलब नदी में मटका डाला, तो मटके में पानी जब भरा तो बड़बड़ की आवाज़ आई, तो उन्हें लगा कोई जानवर है, तो उन्होंने तीर चला दी, तो अभी मर गए थे वो। और फिर उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जैसे हम अपने बच्चे के वियोग में मर रहे हैं, वैसे आप भी मरोगे। तो ही भगवान श्री राम को वनवास मिला था। तो वही सब सारी चीज़ें कहानियाँ आप लोग जान ही रहोगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चल के देख लेते हैं, मुझे भी देखने की इच्छा थी, और आप लोग को भी दिखा दे रहा हूँ। ये क्षेत्र है पूरा, ठीक है। ये उनकी छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है, ये देखिए जो है ये राजा दशरथ है, और वो लेटे हुए हैं श्रवण कुमार, उनके माता पिता इधर बैठे हैं, एक तरीके से इनकी कब्र बनी हुई है। तो अभी हम लोग उस ब्रिज पे खड़े थे, वहाँ से आपको व्यू दिखा रहे थे। तो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मेला वगैरह बड़ा लगता है थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं बच्चे, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। और ये है यहाँ पे आप देख रहे हो, छोटा सा मंदिर है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब एक तरीके से है कि जो अपने माता पिता के लिए इतना कष्ट सह रहे थे, उनको जो अंधे माता पिता थे उनको अपनी टोकरी में बिठा के कंधे पे लाद के पूरी चारों धाम की यात्रा करा रहे थे, तीर्थ यात्रा करा रहे थे, है ना। तो मतलब एक जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जो थे अपने माता पिता के कहने पर वनवास चले गए थे, अपने पिता की मर्यादा का पालन करते हुए। तो उसी हिसाब से हम लोग जो क्षेत्र है हम लोग का बड़ा वैसा क्षेत्र है, हम लोग अपने माता पिता को बहुत सर्वोपरि रखते हैं हर मामले में, है ना। तो उस तरीके से हम लोग का क्षेत्र है, हम लोग मानते भी हैं कि जो है असली जन्नत अपने माता पिता के पैरों में होती है ना, और उनको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ये दशरथ जी हैं क्या? अच्छा।